गद्दारों को माफी नहीं, गद्दारों को माफी नहीं। और क्या किया यहाँ पर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया? हमने सुना था सोना चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पार्टी चोर है, पार्टी चुरा ली, पार्टी चुरा ली। ये जितने घड़ी चोर और तीर कमान के चोर हैं, विधानसभा में नारे लगते हैं 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके, भारतीय खोखा पार्टी है ये लोग, भारतीय खोखा पार्टी। अरे केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हो? जितनी भी कोशिश करोगे नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल और मजबूत होकर तुमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अब केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल रहे हो, केजरीवाल तुम्हारी जेल से डरने वाले नहीं है कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार जी मंच पर आसीन, वो बहादुर नेता जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए दुस्साहस किया मोदी ने जेल में डालने की, लेकिन जेल में उनको रोक नहीं पाए, आज जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। मंच पर मौजूद एनसीपी के, शिवसेना के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, साथियों और दोस्तों, जब हम लोग आए तो यहां पर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ही शिक्षा दी है, एक ही संदेश दिया है, गद्दारों को माफी नहीं, गद्दारों को, गद्दारों को। और क्या किया यहां पर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया? हमने सुना था सोना चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पार्टी चोर है, पार्टी चुरा ली, पार्टी चुरा ली। शिवसेना की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। ये जितने घड़ी चोर और तीर कमान के चोर हैं, इनको शिवाजी महाराज का संदेश समझा देना और इनको चुनाव में जमानते जब्त करके बताना कि महाराष्ट्र में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की और ये जो शिवसेना इनकी आने वाली नहीं है। आज शिंदे साहब की शिवसेना के लिए मजाक उड़ता है, विधानसभा में नारे लगते हैं 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके, भारतीय खोखा पार्टी है ये लोग, भारतीय खोखा पार्टी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री अलग अलग चुनाव के चरण में लगातार हारते जा रहे हैं, इसलिए उनका अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है। शरद पवार जी को भटकती आत्मा कहते हैं, उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहते हैं, मरने की कामना कर रहे हैं शरद पवार की, जिनकी उम्र 84 साल है, अपने वोट की ताकत से जवाब देना कि शरद पवार का, एनसीपी का, महाराष्ट्र का, मराठी लोगों की कितनी ताकत है, हम तुम्हारी जमानत जब्त कराएंगे और एनसीपी की ताकत बताने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन की ताकत बताने का काम करेंगे। मैं यहां पर इसलिए भी आया कि पूरा भिवंडी का इलाका यूपी के लोगों से, बिहार के लोगों से भरा पड़ा है। कितना जने सुल्तानपुर वाले यहां भाई, यहां आधा सब जने ना, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, आ ना सब जने, हाथ उठाए बताओ सब जने, किसको जिताना है, किसको जिताना है? मामा को, मामा को जिताना है, सुरेश भाई को जिताना है। यहां से ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है,
क्या गारंटी दिया 2014 से, क्या गारंटी दी? अच्छा, इसके बाद मुझे मुमरा की सभा में जाना था, मैं नहीं जा पा रहा हूं। जितेंद्र अवार्ड जी से माफी चाहता हूं। आप सब लोग मुमरा की सभा में पहुंचिएगा और वहां मसाल है मसाल पे वोट दीजिएगा उस लोकसभा क्षेत्र में। ये भी आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी है, ये गारंटी है। 2014 से मोदी जी ने जितने वादे किए एक भी वादे पूरे नहीं किए। पहले कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोला। फिर बोले महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। फिर बोले काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, झूठ बोला। फिर बोले 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देंगे, झूठ बोला। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी है। नारा देते हैं 400 पार 400 पार 400 पार, गए बंगाल में कहने लगे 200 पार 200 पार 200 पार, वहां आई 73 सीट। आए महाराष्ट्र में कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में कहने लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। गए दिल्ली में कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। गए हरियाणा में कहने लगे 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। गए मिजोरम में कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब करें 400 पार 400 पार 400 पार, जनता करे तड़ी पार। करना है कि नहीं करना? इनको करना है, करना है ना। ये बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जेल में डाल दिया इनको, मुझे 6 महीने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अरे केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हो? जितनी भी कोशिश करोगे नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल और मजबूत होकर तुमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अब केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल रहे हो? केजरीवाल तुम्हारी जेल से डरने वाले नहीं है। दिल्ली के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस देश का भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जेल से डरे बगैर लड़ेंगे और आपको हराने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अंत में यह चुनाव याद रखना, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव आरक्षण को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव वोट की ताकत बचाने का चुनाव है। अगर गलती से बीजेपी जीत गई तो चुनाव खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। जो बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं उनकी राजनीति को खत्म कर देना, उनको जीरो पे पहुंचाने का काम करना। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।